नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके चैनल में। दोस्तों, मूवी के दीवानों, बात करते हैं 2024 के आने वाली उन मूवीज़ की जिनकी जो है होप है वो बूम पर है। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी सारे जो सुपरस्टार्स हैं उनकी मूवीज़ देखने के लिए जो है फैंस हैं उनको देखने के लिए बेकरार है। तो अब मैं जो जिन मूवीज़ की बात करने वाला हूँ वो है लाइफ टाइम जो है सुपरहिट रहने वाली मूवीज़ होने वाली है, और ये जो मूवी आते ही भाई एक किस्म का अलग ही क्रेज़ छा जाएगा। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करता हूँ इंडियन 2 मूवी की, जो कि कमल हसन की है, जिसमें एक सेनापति होती है। ये जो मूवी है ये 1996 की हिंदुस्तानी 2 मूवी की रीमेक पर बनाई गई है। और इसके अलावा जो सेकंड मूवी की जो मैं बात करने वाला हूँ वो एक ही किस्म की जो है दबंग मूवी है, जिसने भाई 2021 में एक तबाही मचा दी थी। और वो मूवी अभी आने जा रही है 2023 में, जी हाँ, पुष्पा 2, अल्लू अर्जुन की मूवी, जो कि एक बेस्ट मूवी मानी जा रही है, और जिसमें जो कास्ट करे हैं अल्लू अर्जुन और रेशमिका मंदाना। तो दोस्तों, ये जो भंवर सिंह है और पुष्पा है, उसकी दोनों की एक फंटेस्टिक एक क्लास की जो है दुश्मनी के बीच की बनी हुई मूवी है पुष्पा 2, जिसे देखने के लिए बहुत ही बेकरार है। जी हाँ दोस्तों, तो इसी तरीके से जो दूसरी जो मूवी है जिसका मैं नाम लेने वाला हूँ, वो जो मूवी है वो एकदम भाई दबंग टाइप की जो मूवी है, जिसे देखने के लिए भाई जो आर्डेंस है वो बेकरार है। हाँ दोस्तों, जी हाँ, अभी इसी मंथ जो है, इसी जो है महीने के जो है लास्ट वीक में आने वाली मूवी फाइटर 2। इस मूवी को देखने के लिए भाई जो है ये एक वार टाइप की जो मूवी है, जिसमें हमें फाइटर जेट एयर ड्रैगन देखने को मिलेंगे, और ये एक हाई क्लास की बैटल टाइप की मूवी है, जिसमें हमें जो है फाइटर जेट पे एक बड़ी से बड़ी जो है बैटल देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, इसके बाद जो दूसरी जो अभी अभी जो मूवी की मैं बात करने वाला हूँ भाई, उसकी जो हाइप है, उसका जो इंतजार है भाई, वो है उसको भाई काफ़ी दिनों से। और इसके अलावा जैसे ही उस डेट की जो अनाउंसमेंट होती है उस मूवी की, उसके बाद उसका जो क्रेज है वो अपसा हो जाता है। ये जो मूवी है ये एक हॉलीवुड टाइप की मूवी है, जिसको देखने के लिए बहुत ही बेकरार देखे जा रहे हैं प्रभास के फैंस। जी हाँ, ये जो मूवी है ये, इसमें भाई भगवान विष्णु है, इसका जो मॉडर्न अवतार भगवान काल के यानी 2898 AD की जो मूवी है, जिसमें हमें वो किस तरीके से जो है अब तक जो आने वाली बुराई है उससे हमें जो भगवान काल के बचा दी है, उस टाइप की जो मूवी है। तो ये जो है एक बढ़िया लेवल की मूवी है, इसकी जो है हाइप और इसकी जो है होप वो भी बूम पे है। तो दोस्तों, अभी जो मूवी आने वाली है उसका जो मैं नाम बताने वाला हूँ वो एक रोमांटिक टाइप की मूवी है, जिसमें भाई दो जो अजनबी होती हैं, जो एक मेरी क्रिसमस के दिन, भाई यार ये इस मूवी का नाम मैंने बता ही दिया, मेरी क्रिसमस वाले दिन जो है दो अजनबी आपस में मिलती हैं, और उसको जो नाइट में रोमेंस होता है, और वो जो नाइट होती है वो उनकी हो जाती है भाई एक किस्म की नाइटमेयर में कन्वर्ट हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, तो ये सारी मूवी ये उसी बेस पे बनी हुई है, विजय सेतुपति और कैटरीना कैफ की जो मूवी है मेरी क्रिसमस, एक लव स्टोरी सारे टाइप की मूवी है। और कैटरीना कैफ ने भी भाई, जब ये पूछा गया कि भाई आपने विजय सेतुपति को उससे पहले कभी देखा था, तो उन्होंने कहा कि हाँ, इनकी जो 2018 में जो एक मूवी आई थी, यार नाम तो मैं भी भूल गया हूँ, जिसमें विजय सेतुपति और कृष्णा होते हैं, तो इनकी वो जो मूवी है उनको इन्होंने बहुत ही पसंद किया था। और इसके अलावा जब इनकी जो पहली मुलाकात होती है तो एक सिंपलेस्ट पर्सनालिटी है, जिसे देख के यार कैटरीना कैफ को बहुत अच्छा लगा। और इस मूवी को जो डायरेक्ट कर रहे हैं वो श्री राम रघुवन डायरेक्ट कर रहे हैं, और कैटरीना कैफ ने अपना पहले भी अपना बहुत सारा डीप इंटरेस्ट है वो उनके साथ काम करने को शो किया था। तो दोस्तों, इसके बाद जो मूवी है वो आने वाली है भाई एक ऐसी मूवी, जिसमें भाई एक जो है हमारा जो प्लान है वो हो जाता है हाईजैक, जिसमें भाई एक योद्धा आता है, और वो योद्धा भाई जो है हाईजेकर्स है उनको अच्छी खासी भाई जो है सबक सिखा के उसके बाद जो है पैसेंजर को सेव करता है। जी हाँ, अभी जो मूवी जिसकी मैं बात कर रहा हूँ उस मूवी का नाम भी भाई योद्धा है, वो भी एक हाई होप वाली मूवी है। जी हाँ दोस्तों, और इसके बाद अभी जिस मूवी का मैं नाम देने वाला हूँ वो मूवी है भाई देवा। देवा एक रिबेल टाइप का जो पुलिस अफसर होता है, वो जो कि एक डिसेंट जो हाई प्रोफाइल जो केस होती हैं उनको भाई लेके उस हिसाब से उनकी जो इन्वेस्टिगेशन करता है, ये उस बेस की मूवी है। ये देवा जो मूवी है ये भी एक हाई होप वाली मूवी मानी जा रही है, जिसकी जो है एंटिसिपेशन और जो है मोस्ट अवेटेड मूवी मानी जा रही है। तो इस हिसाब से अभी इसके बाद जो भाई मूवी मैं आपको बताने वाला हूँ वो है, जिसके शायद आप भी मेरी तरह बहुत ही बड़े से बड़े फैन होंगे, वो आमिर खान की मूवी है। यार तारे ज़मीन पर तो आपने मूवी देखी होगी, जो एक अच्छी सी अच्छी ब्लॉकबास्टर मूवी साबित हुई थी। तो इसी टाइप की अभी दूसरी मूवी आने जा रही है, जो कि अभी जो कि वो मच एंटिसिपेटेड या मोस्ट जो है अवेटेड और मोस्ट जो है
एंटिसिपेटेड जो मूवी मानी जा रही है। और इसके अलावा ये जो मूवी आते ही भाई एक किस्म का एक यार नया ही जादू छिड़ जाएगा आमिर खान का। जो अभी इस मूवी का जो नाम है वो है सितारे जमीन पर, जिस मूवी को देखने के लिए भाई आमिर खान के जो फैंस हैं वो बेसब्री से इस मूवी का इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों ये भी मूवी है जो मोस्ट एंटिसिपेटेड मोस्ट अवेटेड मूवी मानी जा रही है। तो दोस्तों इसके बाद जिस मूवी का मैं नाम लेना चाह रहा हूँ वो जो मूवी है उसमें भाई एक्टर भी खुद है, डायरेक्टर भी खुद है, जिसमें पहले हमें जो है भगवान विष्णु का रूप लाना, अभी हमें शिव शंकर भोलेनाथ खुद हमें देखने को मिलेंगे। तो ये जो मूवी है ये है कांतारा 2, एक रिलीजियस टाइप की मूवी है भाई। रिलीजियस टाइप की जब भी मूवी आती है तो भाई बायकॉट के जो पोस्टर वो ऐसे खड़े जाते हैं, लेकिन ये वो मूवी है जिसने आते ही भाई सारी वर्ल्ड में थलथला मचा दिया और ये जो मूवी है जो है ब्लॉकबास्टर सुपर साबित हुई। जी हाँ दोस्तों ये जो मूवी है ये कांतारा 2 है, जिसकी जो है हाइप भी बहुत है, जिसकी होप भी बहुत है और लोग इसे देखने के लिए बेकरार है। और ये जो मूवी है इस मूवी के तो दीवाने भाई इस मूवी का भाई एक एक दिन ऐसे 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 उंगलियों पर गिन के इंतजार कर रहे हैं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों ये जो मूवीज़ थी एक हाई क्लास की मूवीज़ थी, जिसको देखने के लिए भाई जो मूवी के दीवाने हैं, सिनेमा के दीवाने हैं, जो फैंस हैं वो देखने के लिए भाई बेकरार हैं। तो दोस्तों आपको इन सब में से कौन सी सबसे ज़्यादा मूवी अच्छी लगती है और आप किसके इंतजार में, और आपको ऐसी कौन सी मूवी है जो आप दिल जान से देखना चाहते हैं या आप देखना पसंद करते हैं, तो अपनी राय जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसे ही बने रहें हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।